हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका फिर से मेरे चैनल मैत्री ब्यूटिक में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पटियाला सलवार कटिंग करने का वीडियो। आज मैं आपको 2.5 मीटर कपड़े में फुल हैवी पटियाला सलवार कटिंग करके दिखाऊंगी। देखिए, चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। मैंने यहाँ सलवार की लंबाई 39 इंच रखी है और मोहरी को हम 6 इंच रखेंगे। यहाँ मैं बेल्ट रेडी करूंगी 21 इंच। यहाँ मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहां से मैं सबसे पहले बेल्ट निकालूंगी। अगर आपके पास मिलता जुलता कोई और कपड़ा बचा हुआ पहले, तो आप उसको भी यहां यूज कर सकते हैं बेल्ट के लिए। इससे आपकी सलवार और हैवी हो जाएगी। यहां बेल्ट की लेंथ मैं ले रही हूं 21 1/2। हमें जितनी रेडी करनी है उससे 1/2 इंच ज्यादा लेते हैं हम। ये देखिए, अब इसकी चौड़ाई लेंगे हम 8 इंच। ये हमारा 6 इंच रेडी हो जाएगा स्टिचिंग के टाइम। मार्क करेंगे, अब इनको मिलाएंगे। और यहां से कट कर देंगे। अगर आपको अपने बेल्ट की चौड़ाई और भी ज्यादा रखनी है, तो आपको इसमें बीच में थोड़ा जोड़ देना पड़ेगा। उसके लिए अलग से कपड़ा लेना पड़ेगा। इस बेल्ट को हम अलग से रख लेते हैं। अब जो भी कपड़ा आपके पास बचा हुआ है, इस पूरे कपड़े को हम एक बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे कॉर्नर्स को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे चारों ओर से। अब हम सलवार के पार्ट निकालेंगे। यहां से मैं क्लोज साइड को इस तरफ रख लिया है, ये ध्यान रखिएगा आप भी। अब मैं यहां से पार्ट निकालूंगी। मेरी सलवार की लेंथ यहां 39 इंच है। आप यहां बिल्कुल ध्यान से समझना, सलवार में सुनने लायक बस यही एक बात है। इसमें से हमने जो बेल्ट निकाली थी 6 इंच, वो हम माइनस कर देंगे। 39 - 6 यानी 33 इंच। 33 इंच पर निशान लगाएंगे एक बार। अब हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, जो 1/2 इंच नीचे मोरी में दबाने के लिए और 1/2 इंच ऊपर बेल्ट में दबाने के लिए। तो 33 में हम 1 इंच ऐड कर लेंगे। 34 पर हम मार्क करेंगे। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। यहां से हमें मोहरी 6 इंच रेडी करनी है, तो हम यहां 1 1/2 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 7 1/2 इंच पर हम यहां मार्क करेंगे। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। जो ये हमारी पूरी लेंथ है, इसका 1/2 करेंगे, चाहे जितना भी हो, इसके 1/2 पर निशान लगाएंगे। मेरी ये लेंथ यहां 45 इंच है, तो मैं 22 1/2 इंच पर मार्क कर देती हूं। अब हमें जो नीचे हमने मोहरी का निशान लगाया था और ये, इन दोनों को मिलाएंगे, चौक से निशान लगाएंगे। अब हमें इसको यहां से कट करना है। ये देखिए, अलग करेंगे। अब ये कपड़ा जो हमारे नीचे रह गया है, इसको हम यहां ऊपर लगा देंगे। देखिए, ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे लगाना है आपको। अब हम यहां से आसन निकालेंगे। ये सलवार एक मीडियम लेडीज की है, तो मैं यहां आसन लूंगी 9 1/2 इंच। अगर आप किसी हेल्दी लेडी की सलवार बना रहे हो, तो इसमें 1 इंच ऐड कर देंगे हम। अब हम इसकी गोलाई करेंगे।
अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो आपका यहाँ कपड़ा ज्यादा बचेगा इधर की तरफ, तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब इसकी गोलाई करेंगे, ये देखिए कुछ ऐसे। अब हम यहां से भी कैच निकालेंगे, यहां हमारे चार पार्ट निकल कर आएंगे, ये देखिए। अब हम ऊपर वाली साइड से भी कैच निकालेंगे, देखिए इस तरह से। ये हमारे दो पार्ट हैं, दोनों अलग अलग पैर के लिए। ये हमारे चार कलियां हैं जिन्हें हम ऊपर लगाते हैं, और ये हमारे ऊपर बेल्ट है। इस तरह से कटिंग करने में आपको सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि हमारी जो ये तिरछी लंबाई है ये इसमें काफी ज्यादा आती है। इसी लंबाई पर हमारा डिपेंड करता है कि हमारी सलवार कितनी हैवी बनती है। अगर ये ज्यादा लंबी होगी तो इसमें चुन्नटे ज्यादा पड़ेंगी, इसलिए ये सलवार हैवी बनती है। मैं इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, मैं वहां बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ एक एक वीडियो में आपको, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है छोटा सा भी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। चाहे तो आप मेरा कमेंट बॉक्स ओपन करके भी देख सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए। मैं आप सबसे लेते विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।